कहीं ना हो रंग सिंह लागै न हो पिताजी के नमुआ हो ना बाबू जी हो रंग सिंह लागै न हो घर भूख में थाल भरता है। मेरे पिताजी का नाम रंजन सिंह, बहन की नाम रेशमा कुमारी और मेरा ही नाम अजब सिंह पड़ता है। याद मैं इस मुकमा ताल में एक सिपाही को रखा हूँ। न जाने वह ड्यूटी छोड़कर हमेशा कहा रहता है, जरा मैं उसे आवाज लगाता हूँ कि इस वक्त वह क्या कर रहा है, इस वक्त वह खेतों में जाकर काम कर रहा है या अपने घर पे जाकर बैठा है। राय बहादुर द्वार बाल हरे राय बहादुर। रम ज्यादा जो जाता है उधर से सो जाता है। प्रणाम हुजूर। मस्त रहो। क्या बतू है, क्या बात है महाराज, क्या बात है महाराज। शाबाश बहादुर, ऐसे करेज को तान के रहना है। अच्छा, ये सबसे पहले बताओ कि जब चौक चौराहे पर घूमते फिरते हो तो कोई तो इंसल्टी तो मुझे नहीं करता है? ये ना, हम पूरा एकदम आपको बढ़ाइए न कर देते। शाबाश बहादुर, इसी तरह तो होना चाहिए। आज 8 दिन बीत चुका है लेकिन चूहर पासवान जो मेरा बचपन का मित्र है वो अभी तक मिलने के लिए एक बार भी नहीं आया। महाराज, वो हमको पाठशाला में मिला था। हेलो, पाठशाला में मिला था? रोज दिन मिलता है और मेरे विषय में कुछ नहीं बोलता है। ये ना काहे, मास्टर साहब आए बोलबो किया है। अच्छा जी, हाँ ना हरम ज्यादा जी हो मैं का बच्चा जी। हाँ मास्टर साहब क्या बोला था चूहर पासवान को? वो खबर होगा उसी को पासवान। अच्छा जी ठीक है, तब तक राज दरबार में जाकर मेन गेट पर पहरेदारी करो। अच्छा, कोई आ गया चुहरा भला ऐसा हरियाणा जी राजा नहीं पई हो ना आरा मामा तो सबा ऐसा हो दरा के जी खबर राजा नहीं पई हो कुशलिया हो ना आज बता तो सबा के देवे बात नदी कुशल। अरे
क्या है रे हल्ला करने वाला? अरे दारा गेट खोलो। कहाँ घर है? क्या तू मुझे नहीं पहचानता है? हम डिप्टे के अंदर में बाप को नहीं पहचानते हैं। अच्छा इतना करे कमान से डिप्टी करता है? उड़ा करे कमान से। तब तो तू बहुत अच्छा ईमानदार सिपाही है। एकदम शरीफाई आदमी हम है। शरीफ आदमी बोलो न। देखो मैं अंजलिपुर से आया हूँ। अच्छा मेरा नाम सुरमा चूहरमल है, चूहर पहलवान। अच्छा यहाँ कैसा रिश्तेदारी है? अजब सिंह जो सिपाही है ना, बस अजब सिंह पहलवान, वो मेरा जिगरी दोस्त है। अच्छा मेरा मालिक आपको दोस्त है? हाँ मुलाकात करना है। जाओ खबर जना दो दोस्त अजब सिंह से कि अंजनीपुर शहर से सूरमा चूहर पहलवान आया है। हट के बैठिए। ऐसे बोलो उधर हट के बैठिए। हट के बैठिए। क्या है दरबारी, कौन सा संदेश लाया रे? महाराज। महाराज नहीं महाराज बोलो धर्म ज्यादा। महाराज क्या है? ओ अंजनी पुर वाला जो सुरमा चूहरमल है। क्या चूहरमल पासवान? हर वो मेन गेट पर खा रहा का, हम दोस्त से मुलाकात करेंगे। धर्मल मेरा बचपन का साथी है। अच्छा उसे इज्जत के साथ अपने राज दरबार में लेकर आओ। अपना आदमी है? हाँ अपना खास आदमी है। अच्छा तब तो जाओ इज्जत के साथ लेकर आओ। इज्जत आ रहा है? क्या बोला आपको? इज्जत आ रहा है? मेरे पास इज्जत नहीं है। नहीं है? अरे इज्जत नहीं है तो ऐसे ही लंबा तगड़ा दिखता हूँ। अरे ढकिया में इज्जत दीजिए। इज्जत हो आप की करिए मलिकावा मलिकावा मार खिलवे। इज्जत ढकिया मिलता है। हमारा मालिक का ऑर्डर हुआ, जाओ मेरा दोस्त बहुत दिन पर आया है, इज्जत लेके आओ। अरे तुम गलत सुना होगा, जाओ सही से पूछ कर आओ। तुम मार खिला देगा ये नाम। क्या हुआ रे? हम गया कहा जे देखिए हमारा मालिक का इज्जत लेके आओ, मारे लगा है। हरमजादा मैंने तुझे बोला इज्जत लेकर आने के लिए। तुरंत बोल का बस उलट जाते हैं। चुप हरमजादा, जाओ प्रेम से बुला कर लेकर आओ। हरमजादा कहीं का कहते हैं कुछ और सुनता है कुछ। अगर इस बार गलत हुआ तो हरमजादा मुख दनी घुसाएंगे तलवार, सीधा पेट दनी निकाल देंगे। कौन मालिक का नौकरी क्या लिए से न जाए। जाओ प्रेम पूर्वक के साथ लेकर आओ राज दरबार में, क्योंकि मेरा दोस्त पहली बार आया है। अरे मौगा के तरह क्यों करता है? हमारा मालिक कहा प्रेम करके आओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? प्रेम करे मकिया, बकवास करेगा? अरे बा ए मालिक क्या है रे? गया प्रेम करे मुंह झाड़ के बैज लिया। अभी कौन सा भेष बनाया है तू? प्रेम करे वाला आओ इधर, हम तुमसे आज प्रेम करते हैं हरमजादा। अब की करेगा? हम तुम्हें बोले थे कि प्रेम से बुला कर लाओ। अच्छा और तू हरमजादा लेडीज के मालिक भाई मालिक है। हरमजादा कहीं का दहार मालिक क्या? जाओ जल्दी बुला कर लाओ। चुपचाप चला आवे जादा कहीं का मिर्गी आता है, जल्दी बोला के लाए। मेरा दोस्त क्या कहेगा कि कैसा सिपाही है? दोस्त है लेकिन खाली हाथ आया है। तो क्या लेकर आते है? फुरौलियो नहीं है, पूछो कुटमैती आते हैं खाली हाथ। ये कुटमैती है कि अपना घर द्वार है? कैसा सिपाही रखा है हमारे दोस्त ने? बहुत दिन पर आप आए हैं। बहुत दिन के बाद आए? एक लोटा पानी लाइए पैर और धोएंगे। अरे तू पानी लेकर आ मेरा पैर धो।
अब आगत तो होगा पहनियो हम ही देंगे। हरम ज्यादा किसके यहाँ आया है, तुम्हारे यहाँ आया है कि नहीं? नहीं आपको यहाँ। चलो मेरे ही यहाँ आया है तो उसको मान स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। तो हरम ज्यादा जाओ पानी लेकर आओ। पानी की करेंगे, पंछुआ करेगा हरम ज्यादा कहीं का सर्दी गर्मी उतार देंगे। अच्छा चुहरा पहला मनवा कर किया हो रमो चुहरा पहला मनवा क्या दी मोह तो सलामी हो ना आ तो सबा चुहरा पहला मनवा क्या दी ले तो सलामी राजा दार बर में न हो राजा दार बर में न हो कहीं बापू सलिया हो ना तो सहो अपने कुशलिया न हो कहूँ जाता कहता हो कुशलिया हो ना आप तो सबा रे समा मोरा बाहिनिया के दी या तो हे दोस्त। अरे दोस्त सबसे पहले आसन को ग्रहण कीजिए दोस्त। हाँ दोस्त पहले ये बताइए आपका राज मुकामा का क्या समाचार है? हाँ दोस्त राज मुकामा का बहुत अच्छा समाचार है लेकिन अपना अंजनीपुर का समाचार कहिए दोस्त। अपना भी समाचार अंजनीपुर का बहुत अच्छा है। अपना समाचार कहिए दोस्त। अपना भी समाचार अच्छा है क्या? अपना अपना समाचार क्या अच्छा रहेगा दोस्त? क्या दोस्त ऐसा क्या बात है? आठ रोज गुजर रहा है नहीं तो आप पढ़ने के लिए पाठशाला आते हैं और नहीं कुश्ती के लिए अखाड़ा आते हैं दोस्त। हाँ दोस्त आप जानते हैं कि चूहर पहलवान जहां भी जाता है अपने दोस्त अजब सिंह के साथ ही जाता है। हाँ दोस्त यह बात तो सच्ची है दोस्त। आपके बिना कुश्ती लड़ने में पूरा अखाड़ा सोना शान लगता है लेकिन दोस्त क्या बात है आज एक हफ्ता गुजर रहा है आप पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं आते हैं। हे दोस्त इसके विषय में आप जानने के लिए चाहते हैं? हाँ दोस्त खेतों में फसल बहुत हो गया है और द्वारपाल दिन रात हमेशा छुट्टी में रहता है इसीलिए काम मुझे करना पड़ता है और करवाना भी पड़ता है। द्वारपाल कभी आता है तो कभी अपने घर पे रहता है कभी राज दरबार में ड्यूटी करता है। ये सब कामों के चलते हम पाठशाला नहीं जाते हैं और न ही अखाड़े पर जाते हैं। कोई बात नहीं क्या करोगे दोस्त गरीब आदमी है बेचारे को तनख्वाह से बढ़ाकर एक आध कुंटल दे दीजिए कीजिएगा। ये गरीब को बाप है रे हरम ज्यादा गरीब का बेटा है या बाप है? बेटा। हाँ बेटा हरम ज्यादा कहीं का गरीब का बेटा। अच्छा ये पहले बताओ कि तुम बेटा है या मैं बेटा? नहीं नहीं गरीब का बेटा। चलो बहादुर क्या कहने के लिए आया है? हमें महाराज को नाश्ता उश्ता करवाएगा। नाश्ता करवाएगा जी? अच्छा बहुत देर पाए हैं जाने के लिए देवो करेंगे। अरे मंत्री
ये मेरा दोस्त इतने दिन पर आया है ताकि लग रहा है कि मेरा घर का सदस्य है। बहुए दिन पर हरम ज्यादा बहुते दिन पर ऐसे बोलो। पानी लेकर आओ और बहन रेशमा को कह देना कि भोजन का प्रबंध करने के लिए भोजन लेकर मेरे दोस्त को दे देने के लिए। अच्छा महाराज, हम नक्शा पानी और सब। हरम ज्यादा नक्शा पानी नहीं करता, हरम ज्यादा अच्छा से बोल क्या कहेगा दोस्त मेरा। द्वारपाल है दोस्त? हाँ दोस्त। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप 10 मिनट के लिए बैठिए, तब तक बहन रेशमा आती है भोजन लेकर। दोस्त ये भोजन नाश्ता पानी छोड़िए, मुझे चिंता लगा हुआ था कि मैं दोस्त से जाकर मुलाकात करूं। दोस्त? हाँ दोस्त। अगर आपके राज आ गए हैं तो मैंने सुना है कि आप बराबर अपने राज में नृत्य कला करवाते हैं। हाँ दोस्त, हम गिटार करवाए दे। तो ऐसा करो सिपाही, ये आज हम दोनों दोस्त सिंहासन पे बैठे हैं एक साथ। हाँ हाँ, तुम जाओ कोई गाने वाली नर्तकी को पकड़ कर ले आओ। अभी फैन कर देते हैं। राय पिछले बार जो नाची थी जी गोरखपुर वाली, उसे लेकर आओ। अच्छा, एलारम कुमारी, गरम कुमारी, कुसुम कुमारी, ठन कुमारी, बाय लक बाहे जा पिले कारण कोचली उन्टाल बरन आगे करोना यार गे। हरम ज्यादा कोरोना भी आई है। हाँ जरा जल्दी बुलाओ, अभी हम बुलाते हैं, जल्दी बुलाओ। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। हेलो 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 दोस्त, यह नृत्य करने वाली बहुत अच्छी थी। क्या नहीं दोस्त? दोस्त आप कुछ देर और विलंब कीजिए, तब तक बहन रेशमा भोजन लेकर आते ही होगी। दोस्त? हाँ दोस्त। अगर आप नहीं मानते हैं तो मैं आपका वचन भी नहीं काट सकता हूँ। अगर मैं इसे चला जाऊं तो दोस्त क्या समझेंगे? महाराज नहीं हो रहेगा था, हाँ मैं आपको जाने के लिए आज भी नहीं करेगा। अच्छा देखिए दोस्त, यही द्वारपाल उस समय से खतरपनी कर रहा था, अब देखिए इसका विचार। बेजोर आदमी। अरे द्वारपाल किसका है? अजब सिंह का। अजब सिंह का है महाराज। क्या जितना खाना होगा जितना पीना होगा अभी तुरंत जेब में भरा हुआ है। पैसा है? मधु और खेबो करते पूछ लो जाकर। मधु और खिलाक विदा कर दे। हरम दादा मेरा दोस्त मधु नहीं खाते हैं। अच्छा जाओ बहन रेशमा को खबर कर दो भोजन करने के लिए। अरे बहन रेशमा कुमारी, आपका भाई का दोस्त आया है चूहर माल पास मान अंजनी पुनवाला, उनको लिए नक्शा लेते आइए। हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे तुम अगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दादा नहीं तोड़ेंगे, मिल के ना छोड़ेंगे, सबसे खुश नशे हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर
है दोस्त, है दोस्त। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके दरबार से नाश्ता पानी करके ही जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तब तक मैं चल रहा हूँ संकट की ओर। दरबार मैं निकल रहा हूँ। अरे मंत्री, हाँ, किस लिए तुमने याद किया है? महाराज का दोस्त आया है चूहर माल पासवान, जो कुश्ती लड़ने के लिए आता था। अरे लेकर चलो खाना। चलिए आइए आइए आइए। आकारी ओ भोजन माचू हरमला पाल माना माओ मौका मासा हरिया मना राजा हो दो दावा के दुआ भोजन लाया है, इसी तरह से भोजन करवाया जाता है महाराज। हाँ, सुहार माल नाम का देवता है। अच्छा, हम इसलिए आपको भजन भाव के साथ भोजन कराते हैं। तो ठीक है, लाओ भोजन लाओ, हमें भी यहाँ से निकलना है। आइए बैठिए। अरे पर्सनो लेगा तो जी, पर्सनो लब। अरे मेरा पेट भर चुका है, मालिक का पेट भर गया, खा लिए फेंक देते मालिक। राजा महाराजा का दाना आप जाए तो मिले। अच्छा आइए दोस्तों, इस कॉमिक के सीन पे खुश होकर ये आ गए हैं राजेश ठेकेदार जी, जो उनका सिटरिंग का काम बहुत ही अच्छा चलता है। लग रहा है कि इस गांव में मशहूर है ठेकेदार जी। और उन ठेकेदार जी की तरफ से ये शानदार 51 रुपये का पुरस्कार आया है। दिन से ही वह रुपया दे रहे हैं, क्या बात है ठेकेदार जी। द्वार पर अभी आगत आयल छे, नाश्ता करवे छे। मैं अपने आदर सुनास पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता ही रहूंगा। भर गलवा जान
ठकुर नहीं बैठल जल नहीं जाए आरो लग अरे सुंदर आई भो जन मना रही मंदरी रही तो साजी के भो जन मना रे आज दिन कर रही हो रही आ बबुआ रही तो साजी के भो जन मोहन सुना हाँ दोस्ती देखो मैं तो भोजन कर चुका हूं जरा अगर इजाजत मिले तो मैं यहां से अपने अंदरीपुर शहर चला जाऊं क्योंकि समय से पढ़ने के लिए पाठशाला भी जाना है। सुना ये बताओ क्या तुम पाठशाला आने के बाद घर पे पढ़ाई करती हो या नहीं करती हो? हाँ पढ़ाई तो करती हूँ। क्यों नहीं? देखो बहन रेशमा जैसे दोस्त अजम सिंह का तुम बहन हो वैसे चूहर पासवान का भी बहन हो इसलिए एक भाई का दोस्त होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि सही और गलत जो भी है मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। क्यों नहीं दोस्ती? दोस्ती आज रात भर ही रुक जाइए दोस्ती। क्या? नहीं नहीं रेशमा, अगर मैं रात भर यहाँ रुक जाऊंगा तो पूरे अंजनीपुर शहर में हलचल मच जाएगा और समय से मैं नित प्रत्येक दिन अखाड़ा जाता हूँ कुश्ती लड़ने के लिए, वहां पे सैकड़ों पहलवान मेरा इंतजार करता होगा। देखी के सुरतिया हो तो सजी क्या आ मन माया जू अलो जी ये क्या बकर तो सजी हो मनमा हमारा भाई ना हो देखी के सुरतिया हो ना आप सजी हो मनवा हमारे लभई नहीं ना हो देखी के सुरतिया हो ना आप किया बोलिया बोलले ओहर रे समा बोलिया भला तू बोलिया ना जी बोली जब ला गई है ना आर समा बोलिया के रसा मनमा नदी बोली तोर ला गई है भैया भैया तेरा